झारखंड मेरा है तो झारखंड का नियम कायदा कानून झारखंडी के हिसाब से बनेगा, किसी गैर झारखंडी और किसी बाहरी के फेवर में नहीं बनेगा। लोड़े जब मोरे जब काटे जब छीटे दीबो ये जीवन बर्बाद कर दीबो, लेकिन भोजपुरी मगिया अंगिकी भाषा अंगिका भाषा के लागू नहीं होते दीबो। और झारखंडी सहित बाहर फेंक दो, जहाँ कहते भाषा लाओ करे उसी राज बन जाएगा, तो बस वही जाएगा खो और रो यहाँ से भाग जो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मोहसिन एजाज, इस कहानी और वीडियो का सूत्रधार। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं झारखंड के सबसे बड़े भाषाई जन आंदोलन में। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले मोहदा मोड़ विनोद बिहारी महातो चौक से लेकर नगेन मोड़ विनोद बिहारी महातो चौक तक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था, जो लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक था। इस आयोजन में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, लगभग हर समाज, हर तबके के लोगों ने शिरकत की और इस भाषाई आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। कि ये महज भाषाई आंदोलन नहीं है और हमारी लड़ाई किसी भाषा से नहीं है, ये लड़ाई झारखंडियों की अपनी भाषा और संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए है। ये लड़ाई झारखंड के संसाधनों को लूटने से बचाने के लिए है। ये लड़ाई झारखंडियों के आन बान और शान के लिए है। हमरा कुड़ुमाली नागपुरी खोट्टा ठीक है, संथाली मुंडारी कुडुक एगले अंदर भाषा बोटे ठीक है, एगले अंदर क्षेत्रीय भाषा बोटे और भोजपुरी मागी जे एगले हमरा अंदर भाड़ा दारा भाषा बोटे गया और हमरा भाड़ाई रोते दिए और अंदर तर मालिक लो हमरा मालिक बोटी झारखंड मैन मालिक हमरा बोटी और आके भाड़ाई रोते दिए तो भाड़ा दार भाषा अंदर रहता है क्षेत्रीय भाषा नहीं होते दीब यार जुन्ने लोड़े जब मोरे जब काटे जब छीटे दीब ये जीवन बर्बाद कर दीब, लेकिन भोजपुरी मगी और अंगिकी भाषा अंगिका भाषा के लागू नहीं होते दीब और राजनीतिक संगठन है और गैर राजनीतिक संगठन ही रहेगा। इस आंदोलन में केवल उन्हीं नेताओं का स्वागत है जो अपना पार्टी और अपना झंडा छोड़कर इस आंदोलन में साथ देने आ सकते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जनता जा कही है, जनता अपना मुकद्दर खुद तय करेगी, उसे किसी नेता की अब जरूरत नहीं है। झारखंड की जनता जा कही है, जागी है तो भोजपुरी और मगही को भगा के ही सोएगी, वापस घर घुसे। स्थानीय नीति और नियोजन नीति विशेष आंदोलन है, पार्टी विशेष आंदोलन नहीं है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के आपके मन में क्या विचार है? देखिए झारखंड बना ही था, झारखंडियों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ, चाहे भाषाई रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो, तो उसी शोषण से खुद को बचाने के लिए ही अलग झारखंड का मांग किया गया था। लेकिन झारखंड बनने के आज 21 साल के बाद भी जो स्थिति बिहार में रहने के समय हमारी थी, आज उससे बुरी स्थिति हो गई है। जब हम बिहार में थे या आज भी बिहार में भोजपुरी और मगही को भाषा की मान्यता नहीं दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, तो आज झारखंड में ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि हमारे ऊपर बाहरी क्षेत्र की भाषाओं को थोपा जा रहा है। जब तक इन भाषाओं को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग चैन से बैठने नहीं जा रहे। झारखंडियों के साथ न्याय तभी होगा जब यहाँ की स्थानीय नीति, यहाँ की नियोजन नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनेगी। बिहार में भी अंतिम सर्वे सेटलमेंट को स्थानीय नीति का मापदंड बनाया गया है, तो झारखंड में यहाँ सोतला व्यवहार क्यों? 1985 क्यों? 1985 पहले तो हम पैदा ही हो चुके हैं तो हम क्यों मानेंगे? हर झारखंडी का एक ही आवाज है, एक ही मांग है, 1932 के खतियान। अरे झारखंड मेरा है,
तो झारखंड का नियम कायदा कानून झारखंड के हिसाब से बनेगा, किसी गैर झारखंड और किसी बाहरी के फेवर में नहीं बनेगा। बहुत ऐसे नेता है जो इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ आज जो युवा इस आंदोलन में आए हैं ना, इस आंदोलन में आज जो युवा मानव श्रृंखला में आए हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। आज का युवा ग्रेजुएट है, पीएचडी कर रहा है, एमए किया है, बीए किया है, बीएड किया है। इस युवा वर्ग को आप बुलबक नहीं बना सकते हैं। यह बैनर, यह संगठन अब नेता पैदा करेगा, इस आंदोलन को नेता का जरूरत नहीं है, इस आंदोलन से अब नेता पैदा होंगे। जिस तरह झारखंड आंदोलन से सैकड़ों नेता तैयार हुए, इस भाषा आंदोलन से भी सैकड़ों नेता तैयार कराना हमारा मकसद है, और हम नेता तैयार करेंगे, नेता के पीछे नहीं जाएंगे। 30 नहीं, अगला बेटा मुखिया चुनाव जीत को खत्म कर दो, मुखिया चुनाव तो छोड़ दे, मुखिया चुनाव तो दूर की बात हो। अगर मुखिया मन सदस्य को चुनाव तो वार्ड सदस्य चुनाव थे तो हो बोकरा जीत को करना थे, और जीरो वोट जाते हो, अपन वोट खुद दे सके, बाकी कोई वोट करना देते है। आज अगर देखा देती तो लाइव रैली के माध्यम से चेतावनी दे कि निंदिया मन आ तो उठ जाओ, नहीं तो कुंभकर्ण इतना आदमी जो सुतल ले और कुछ को उठा ले तो ओकर किए ले मृत्यु हल ले। अगर तोरा कुछ को उठा ले नौजवान मान तो तोरा गद्दी सहित पार फेंक दो हमने, जहाँ कहते भाषा लाओ करे उसी राज बन जाएगा तो बस, और वही जाएगा खो और रो, यहाँ से भाग जो झारखंडी मिला है उन नेताओं को जो गद्दी में बैठे हुए हैं, सिर्फ झारखंड उसको दिखाई मिलता है कि भोजपुरी मगही अंगही भाषा यही दिया थोपना चाहिए। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक झारखंडी होने के नाते 1932 का खतियान सरकार को लागू करना होगा और भोजपुरी मगही अंगही भाषा को यहाँ से हटाना होगा। स्थानीय नीति को लेकर क्या मांगे आपकी? हम लोग स्थानीय नीति, झारखंड जब से बना है आज 2020 से हम लोग स्थानीय नीति का लागू करने के लिए मांग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इस मानव श्रृंखला को जिस इतना बड़े तादाद बन चुकी है, इससे सरकार की गद्दी हिलेगी और हिला के रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। 1932 का खतियान उसको लागू करना होगा, मगही भाषा उसको हटाना होगा। सत्ता और विपक्ष में बैठे जो नेता है उनका कोई अभी तक बयान नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर ये सरकार आज जमीन की बात हो, बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, गठबंधन में बैठा आरजेडी की बात हो, विपक्ष में बैठा बीजेपी की बात हो, ये कोई नहीं चाहता है कि 1932 का खतियान लागू किया जाए। 2018 के अधिनियम में बीजेपी और आजसू के गठबंधन सरकार में ये तो द्वित भाषा के रूप में पारित किया गया, और आज वही गठबंधन सरकार मिलकर इसको प्राथमिकता दिया जा रहा है हमारे धनबाद बोकारो जिले में, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समिति में एक है कि मानव श्रृंखला हम लोग 25 से 30 किलोमीटर, जिसमें हम लोग 50 से 1 लाख लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं, ये ऐतिहासिक होने वाला है, ठीक है। ये हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा जब तक नहीं हमारा सरकार इस ये भाषा को हटाते हैं मगही और भोजपुरी को, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम लोग कुछ दिन में ही झारखंड बंद का ऐलान करेंगे, विशेष करके तो हमारा बोकारो और धनबाद तो बंद होगा ही, हम लोग पूरा झारखंड को बंद करेंगे। हम लोग एक महीना का टाइम दे रहे हैं, अगर सरकार इसको मान जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग पूरा झारखंड को बंद करेंगे। और ये हेमंत सरकार है बिल्कुल घोर झारखंड के हित के काम नहीं कर रहा है। 1932 का खतियान यहाँ लागू होना चाहिए सबसे पहले, और पहले मगही और भोजपुरी की भाषा, ये हमने क्षेत्रीय भाषा नहीं लागू, ये भाषा बिहार में फले फूले, यहाँ के आदमी जाके वहाँ लाभ लेना भाई, कि खोटा भाषा के बिहार में दर्जा देता है, महाराष्ट्र में दर्जा देता है, उड़ीसा में दर्जा देता है, नहीं देते, क्योंकि हम नियुक्त है तो 5 लाख से लगभग 20 लाख आदमी बाहर में काम कर रहा, तो कि यहाँ के भाषा के दूसरा राज्य वाला है वहाँ अधिकार देते, नहीं देते। अच्छा, ये जो मगही और भोजपुरी है आम जनता।
तो दोस्तों आइए जानते हैं झारखंड के छात्र इस भाषाई आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या मांगे हैं और वो क्यों इस भाषाई आंदोलन में एक जनसैलाब की तरह उमड़े हैं। इतिहास में भाषाई अतिक्रमण को लेकर आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसे हम लोग महाआंदोलन भी कह सकते हैं। देखिए, ये आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम साधारण भाषा में समझें तो भोजपुरी, मगही और अंगिकी जैसे कुछ भाषाओं को झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसको जो है हम लोगों पर थोपा जा रहा है। हमें किसी भी भाषा से कोई भी नफरत नहीं है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि हमारे जो झारखंड में जो भाषा चल रहा है हमें वो पसंद है। हमें भोजपुरी नहीं बोलना है और हमें भोजपुरी से नफरत नहीं, लेकिन वो जिस क्षेत्र के लिए बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए या कई के लिए भी, वो वहाँ के लिए हमारे लिए क्या है, कोटा, कुर्माली, संथाली इत्यादि जो भाषाएँ हमारी क्षेत्रीय भाषा है। चूँकि मैं एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपका एक उदाहरण लेके समझाते हैं कि अगर भोजपुरी में गई ये क्षेत्रीय भाषा में शामिल हो जाता है तो क्या क्या समस्या हो सकती है। जैसे हमारे एक JSSC JPSC एग्जाम्स में क्या होता है, एक पेपर होता है जिसमें क्षेत्रीय भाषा आपको रखना पड़ता है। तो अगर ये सब क्षेत्रीय भाषा में शामिल हो गया तो जितने भी बच्चे जो भोजपुरी, मगही इत्यादि बोलते हैं वो सब भी उस एग्जाम्स में फाइट करेंगे और इस तरह से क्या होगा कि हमारे बीच कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, साथ ही साथ झारखंड में बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगा, जो झारखंड में रहने वाले हैं उनकी बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि झारखंड में भोजपुरी, मगही ना चलतो ना चलतो।